कक्षा 10 एक्सरसाइज 10.2 हम इसका सातवां प्रश्न आज करने जा रहे हैं। प्रश्न है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए, यह है बड़ा वृत्त और यह है छोटा वृत्त। बड़े वाले की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की त्रिज्या, छोटा यह है ना छोटा सर्कल, इसकी जो त्रिज्या है वो है 3 सेंटीमीटर। बड़े में एक जीवा है, ये वाली ए बी, जो छोटे वाले को स्पर्श कर रही है। स्पर्श कर रही है का मतलब यह जो जीवा है या यह जो रेखा है, यह इस छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, यह इस छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस जीवा की लंबाई निकालनी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पी कोण है ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि ए बी है इसकी स्पर्श रेखा और ओपी है इसकी त्रिज्या, और हमने पढ़ा है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो हम लिखेंगे कोण OPA बराबर 90 डिग्री। इसका कारण है वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अब इन ट्रायंगल OPA त्रिभुज OPA में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, तो यह 5 यानी 5 का स्क्वायर बराबर बेस, बेस हमें नहीं पता, बेस का नाम है एपी, प्लस परपेंडिकुलर वो है 3। 5 का स्क्वायर हो गया 25 बराबर एपी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। एपी स्क्वायर बराबर 25, 9 इधर प्लस हो रहा, इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 में से 9 निकाले 16। तो हमारे पास जो एपी आ गया वो आ गया 16 का रूट यानी कि 4 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास सिर्फ एपी आया है, यदि हम सोचें कि पूरी की लंबाई कितनी होगी, हम क्या करते हैं O को B से भी जोड़ देते हैं। अब हमारे पास दो छोटे त्रिभुज बन गए। अगर हम देखेंगे ये कौन 90 है तो ये भी कौन 90 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये भी 5 ये भी 5, और ये कॉमन है दोनों में। तो इससे हम इस छोटे त्रिभुज को इस छोटे त्रिभुज के साथ सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज OPA सर्वांगसम होगा त्रिभुज OPBK, जिससे कि AP बराबर होगा BBK। क्यों, CBCD, जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि AP अभी हमने निकाला 4, इसका मतलब BB भी होगा 4, तो इस पर लिख दो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो ए बी किसके बराबर होगा, 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए बी आ गया है 8 सेंटीमीटर, यानी कि जीवा की लंबाई, जीवा की जो हमें लंबाई ज्ञात करनी थी वो हमारे पास आई है 8 सेंटीमीटर। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है।